कोर्ट के आदेश पर एक माह के लिए कुर्क किया गया बिजली विभाग का कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां बिजली विभाग के कार्यालय को कुर्क किया गया है। गाजीपुर सिविल कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के कार्यालय को एक माह के लिए सीज किया गया है। अदालत के आदेश पर शहर के लाल दरवाजा स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का कार्यालय सीज किया गया है। एक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति न देने पर कोर्ट ने विभाग के कार्यालय को सीज करने का आदेश दिया है, जिसके अनुपालन में ये कार्यवाही की गई। सीज किए गए कार्यालय में है अधीक्षण अभियंता, मीटर रीडर और बिल जमा करने का ऑफिस है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1980 में बाबूलाल नामक उपभोक्ता का बिजली का कनेक्शन काट दिया था, जिसके खिलाफ उपभोक्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने बिजली विभाग को वर्ष 1980 से वर्ष 2014 तक उपभोक्ता को 4000 रुपए प्रतिमाह क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। विभाग द्वारा उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति न देने पर कोर्ट ने बिजली विभाग कार्यालय को एक माह के लिए कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में कार्यालय को सीज किया गया। हम गणेश कुमार साहू, सर नाम स्वर्गीय मुरली मनोहर, मोहल्ला मालगोदाम रोड गाजीपुर का निवासी हूँ। साहू जी, आज क्या मामला था बिजली का, काफी जो कुर्क किया गया है? मामला सन 1980 से चल रहा था। न्यायालय ने बिजली विभाग को मना किया था कि आप लाइन न काटे, वो न्यायालय का आदेश नहीं माना, विभाग ने लाइन काट दिया। लाइन काटने से जो क्षति हुआ, जिसमें आटा चक्की कोल्हू वगैरह जो चलती थी, उससे जो क्षति हुआ उस न्यायालय ने उसी में ये कार्रवाई की। कितने की क्षति हुई थी सर? न्यायालय ने अभी सन 1980 से लेके 1/5/2014 तक 4000 रुपया प्रतिमा के हिसाब से क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया। कितना लगभग हुआ है? 16,48,000 रुपया। इसको लेकर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया था या कोर्ट नहीं गया? विभाग को नोटिस आई थी, बार बार नोटिस आई थी, विभाग ने उसका नोटिस का पालन नहीं किया, आदेश भी उनको मिला है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संबंध में रिट पेंडिंग है, माननीय उच्च न्यायालय भी इनको कहा कि आप डिग्री धारक का आप जो क्षति हुआ है उसका पैसा आप दे दें, उसके बावजूद भी ये नहीं दिए, वो रिट भी पेंडिंग है अभी वहाँ रिट। ये कोर्ट के आदेश पर हुआ कितने दिनों के लिए हुआ है? ये अभी ये एक महीने के लिए हुआ है, एक महीने के लिए अमीन साहब ने ये कुर्क किया है, हमने भी आया है। ये क्या है आगे प्रक्रिया? ये फैसला लगभग 44 साल लग गया है इस फैसले में। आप ये तीसरी पीढ़ी है, हमारे दादाजी मुकदमा बिजली विभाग से लड़े बाबूलाल जी, और ये तीसरी पीढ़ी है। इसके आगे क्या प्रक्रिया है? अब आगे की प्रक्रिया बिजली विभाग को जो उचित लगे, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोत्तम न्यायालय नई दिल्ली जाए, जहाँ भी जाए उनको जो भी अच्छा लगे वो करें।